लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। उन्नाव वंचित समाज अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक कल्याण महासमिति के जिला स्तरीय सम्मेलन में बीजेपी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर हवेलकर, सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति, उत्तर प्रदेश सरकार का लाटूस रोड जहाज वाली बिल्डिंग कानपुर में जोरदार स्वागत किया गया। संख्यक समाज के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं एवं ढोलताशों के साथ श्री हवेलकर का स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भावना के साथ भारत के समस्त 135 करोड़ देशवासियों की सेवा में रात दिन समर्पित है। सरकार की सभी योजनाएं दलित वंचित उपेक्षित निर्बल पिछड़ों के कल्याण के लिए हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जनपद के अनुसूचित जाति बाहुल्य 50% आबादी वाले 54 गांव का चयन कानपुर में किया गया है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालय, शौचालय आदि के माध्यम से विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 23-23 लाख रुपए से काम होगा तथा अच्छा काम करने वाले ग्रामों को 5 लाख रुपए से अतिरिक्त विकास कार्य होंगे, जिसमें सोलर लाइटें, स्वच्छ पीने का पानी, मात्र शिशुदार मिड डे मील में खानपान की गुणवत्ता आदि का ख्याल भी रखा जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप छात्रों को खाते में भेजी गई है, जिससे कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें तथा मदरसों को भी आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर खान, राजू खान, दीपक चौहान, हारून जाफरी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा समीम अंसारी सहित सैकड़ों अल्पसंख्यक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाद में कार्यकर्ताओं के आग्रह पर बस्ती का भ्रमण किया तथा समस्याओं के समाधान कराए जाने का आश्वासन श्री हवेलकर द्वारा दिया गया। उन्नाव से ब्यूरो कपूर चंद की रिपोर्ट।